गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है गोवा में हमारा सिक्स्थ डे, और आप जो ये रोड देख रहे हो तो आप बता सकते हो ये रोड कहाँ का है? एनी गेसेस? एक हिंट देता हूँ, जो डाई हार्ट फैन है शाहरुख खान के और आलिया भट्ट के, वो जल्दी से बता पाएंगे कि ये रोड कौन सा है। एनीवेज, आई विल नॉट कीप एनी फर्दर सस्पेंस। ये मूवी डियर जिंदगी का एक सीन का शूट हुआ था यहाँ पे, और आप मेरे दाएं और बाएं देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, और डेली यहाँ पे कुछ न कुछ शूटिंग होती रहती है। तो शायद अभी आप वॉलपेपर देख के समझ गए होंगे कि कौन सी मूवी का सीन है और कब का ये सीन है। और मेरी गाड़ी में भी शाहरुख और आलिया के फ़ैन बैठे हुए थे, तो फिर मुझे भी यहाँ रुकना पड़ा, और जब रुके हैं तो फिर हमने भी यहाँ के कुछ शॉट्स लिए सेम उसी रूट के, एक एरियल व्यू भी लिया हमने। तो यहाँ से निकलने के बाद आज हम आ गए हैं पणजी में। दरअसल आने का कोई आज सच कोई प्लान तो था नहीं, लेकिन हमारे मोबाइल में कुछ इश्यू हुआ तो हमें सर्विस सेंटर में आना था। तो आज का पूरा दिन हमारा लगभग पणजी में ही बीतेगा, हमें पता था, तो फिर हमने पूरे पणजी में घूमा। तो फ्रेंड्स, एक बार बताऊँ आपको कि गोवा सिर्फ बीचेस के लिए फेमस नहीं है, गोवा फेमस है फोर्ट्स के लिए, म्यूजियम्स के लिए, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कसिनो के लिए। तो ये सब आपको मिलेगा पणजी के अंदर ही। तो ये फ़िलहाल आप जो एरिया देख रहे हो ये ओल्ड गोवा का पार्ट है, और काफ़ी बड़ा फैला हुआ है। तो चलिए आपको इसके अंदर ले चलते हैं, कुछ चीज़ें और भी दिखाते हैं क्या क्या है पणजी में। और जब तक हमारा मोबाइल ठीक हो रहा है तब तक आपको हम ले चलते हैं मीरामार बीच। तो ये मीरामार बीच का एंट्रेंस है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्क्ड हैं, ये बोर्ड देख के आप समझ जाएंगे यहाँ की लोकेशन। चलिए इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या है। अरे भैया, आज तो सबसे पहले पुलिस ही दिख गई यहाँ पे। चलिए इसके अंदर देखते हैं आज जितनी पुलिस क्यों है, क्या रीज़न है यहाँ पे। जनरली यहाँ पे नहीं होती है, और ये थोड़ा सा मॉडिफाइड बीच है, इसको काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। यहाँ पे बच्चों का एक पार्क भी है, और बैठने की जगह एक कैफेटेरिया भी है, तो नीट एंड क्लीन है, डेफिनेटली रहेगा भी। आखिर ये राजधानी है, और राजधानी में कोई भी चीज़ हो तो काफ़ी साफ़ सुथरी और वेल मैनेज तो रखनी पड़ती है। आप भी सब देख रहे हो कुछ टेंट वेंट लग रहा है यहाँ पे, आई थिंक। हाँ, हम भी क्रिसमस के आसपास आए हुए हैं, तो शायद उसकी कुछ प्रिपरेशन चल रही होगी। चलिए पूछते हैं आखिर ये क्या होने वाला है यहाँ पे, बड़ा ही रेड कारपेट वगैरह बिछाया है, पूछते हैं कोई तो बताएगा। भैया निकल, डर मत, ये प्रिपरेशन किस चीज़ का चल रहा है? मोदी आने वाला है। मोदी? मोदी आ रहा है। कब कभी आने वाले? 19 को इधर रहेगा, 19 तारीख से। अच्छा, कुछ कैसा प्रोग्राम है? कुछ कल्चर प्रोग्राम है या रैली है? उनकी तो लॉन्च हेलीकॉप्टर का वगैरह कुछ देर, हेलीकॉप्टर घूमने वाली है पूरा। हेलो, ओ तो सुना आपने, तो मोदी जी आने वाले हैं यहाँ पे, क्या बात है। यहाँ पे खड़े होकर भाषण देने का मज़ा ही कुछ और आएगा ना, उनको भरपूर पानी ही पानी और पब्लिक ही पब्लिक। एनीवे, जब तक वो आएंगे शायद तब तक हम गोवा से जा चुके होंगे, खैर जो यहाँ होंगे उस टाइम पे वो काफ़ी इसका मज़ा लेंगे। अरे अरे अरे, एक चीज़ तो भूल गए, आप बीच तो देखिए कितना खूबसूरत है, देख रहे हो आप कितना बड़ा फैला हुआ है। बंटू चलो घर। और आप ये देख रहे हो, एक थोड़ा बैकग्राउंड में शिप के जस्ट पीछे ये है अकोड़ा फोर्ट। एक चीज़ आपने गौर की है, गोवा के किसी भी बीच पर चले जाओ घूम फिर के आसपास में वहीं आप घूम रहे होते, क्यों बहुत बड़ा नहीं है ना ये। तो अकोड़ा फोर्ट हमने पहले भी देखा था फ्रंट साइड से, अब हम बैक साइड से देख रहे हैं। और दोस्तों, मीरामार बीच से कुछ आगे 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक और बीच है, इसका नाम है कारंजेलम बीच। मैं अच्छे से प्रोनाउंस तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, लेकिन बोर्ड जरूर लगा हुआ था।
तो सेम वही एप्लीकेशन, वही जो स्पेलिंग से मैंने भी वो चिपका दिए हैं। चलिए इसके अंदर दिखाते हैं ये भी, इसकी ब्यूटी क्या है ये बीच। बीच से निकलने के बाद मीरा मार बीच के जस्ट सामने एक क्लब है, उसका नाम है क्लब टेनिस। और यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं कई बार, और इसकी एक खासियत ये है कि एक क्लब है और यहाँ पे छोटी सी मेंबरशिप देके आपको बहुत ही अच्छा लजीज खाना मिल जाता है और बहुत ही कम प्राइस पे मिलता है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, बहुत ही कम प्राइस पे। अंदर बियर बार भी है, स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है, आप सारे फैसिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हो और खाना खाने में बहुत मज़ा भी आता है। यहाँ हम 3 साल पहले आए थे अपने दोस्तों के साथ, आज मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, राहुल और सुमित, अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो। ये काफ़ी अच्छी जगह है और हमने काफ़ी अच्छी मस्ती की थी। लंच के बाद इसी रूट पे हमें, ये भी 1 किलोमीटर की दूरी पे था, एक गोवा विज्ञान केंद्र एवं नक्षत्रालय मिला, आई मीन गोवा साइंस सेंटर एंड प्लैनेटेरियम। और यहाँ पे हमने एक दो शोज़ देखे, यहाँ पे 2 तरह के शोज़ होते हैं, एक तो प्लैनेट से रिलेटेड होता है और एक आपको डॉल्फिन का एक शो दिखाते हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए इसके अंदर ये भी आपको दिखाते हैं कैसा था और क्या था। हेलो सर, हाय, कैसे हो? ठीक हूँ सर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर निराजन परियार। और कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर यहाँ पर मैं 1 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं यहाँ पे क्या क्या होता है ज़रा कुछ। सर यहाँ पर एग्जीबिशन चलता है और ये 3D शो होता है, मतलब मूवी टाइप होता है, और लिटिल डॉल्फिन फिश का जो है शो दिखाते हैं, उसमें थोड़ा ये गॉगल पहन के देखना होता है, और एक प्लानिटोरियम शो होता है वो आगे तरफ है उस तरफ, और उसमें नक्षत्रालय है, तो वो वाले शो 2 शो है सर, और थोड़ा अंदर इधर एग्जीबिशन चलता है सर। ठीक है।
अगर आप कसिनो का शौक रखते हैं तो आपको बता दूं कि मीरामार बीच पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और आप यहाँ पे बहुत सारे आपको कसिनो मिलेंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, तो आपकी अगर इच्छा हो या जो इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे आके खेल सकते हैं। क्रूज़ पे हम पहले भी एक दो बार राइड कर चुके हैं तो दोबारा जाने की कुछ खास इच्छा है नहीं, लेकिन आप अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करके देखें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फिर चलते हैं वापस हम अपने रिजॉर्ट की तरफ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।